सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज अमल कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 4 विषय हिंदी, जो कि आर के एस एम बी के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम पर आधारित ये पेपर होगा। आपके 11 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच ये होगा। प्रश्न होंगे इसमें 15, समय लगेगा 1 घंटा। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। इसमें यहाँ आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ लिखें अपने रोल नंबर। पहला प्रश्न है, जो भी प्रश्न का उत्तर सही हो उस डिब्बे में हमें राइट का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न, प्रतिदिन सूरज उगता है तो सूरज उगेगा पूर्व में, या लिखे पूर्व में। दूसरा प्रश्न है, दीपों का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार होगा दीपावली, इसमें आप राइट करें। तीसरा प्रश्न है, राधा ने सीता से कहा कि वे आज स्कूल नहीं आएगी, वाक्य में किसने किसको कहा, तो इसमें कहा राधा ने सीता से, इसमें राइट करें। अगला प्रश्न है, राम जयपुर गया था, राम वहाँ से टोपियाँ लाया था, रेखांकित शब्द के स्थान पर जो शब्द लिखा जा सकता है, तो यहाँ वह लिखा जा सकता है वह टोपियाँ लाया। प्रश्न नंबर 5 है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस। छठा प्रश्न है, राम रहीम तारा ये सब हैं व्यक्तियों के नाम, तो ये व्यक्तियों के नाम हैं, इसमें राइट करें। प्रश्न नंबर 7, हमें सड़क पर चलते समय यातायात के नियम का पालन करना चाहिए, इसमें आप राइट लगाएं। कोई व्यक्ति यदि हरे पेड़ को काट रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसको समझाते हुए मना करना चाहिए, इसमें आप राइट करें। प्रश्न नंबर 9 होगा, हमें बड़ों का सदैव तो हमें आदर करना चाहिए। इसमें राइट करें। प्रश्न नंबर 10 है, पिछोला झील स्थित है, तो ये उदयपुर में है, उदयपुर में राइट करें। 11वां प्रश्न, कबड्डी के खेल में खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें खिलाड़ी होंगे 7, इसमें राइट करें। आपकी कक्षा में गंदगी फैली हुई है, आप क्या करेंगे, तो कक्षा साथियों के साथ सफाई करेंगे, इसमें आप राइट करें। अगला है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न उत्तर बताइए। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी, एक बड़े अजगर की तरह मैदानों जंगलों और पहाड़ के बीच से गुजरती हूँ, गांव और शहरों को जोड़ देती हूँ। 13वां प्रश्न है, गद्यांश में किसके बारे में बताया है, तो गद्यांश में हमें सड़क के बारे में बताया है, इसमें राइट करें। सड़क किस किस सामग्री से मिलकर बनती है, तो सड़क बनती है पत्थर और डामर से। 15वां है, कहानी का नायक कौन है, नायक है इसमें सड़क। ये था कक्षा 4 का हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।